हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डाइट सैलड। इस सैलड के अंदर हमने काफ़ी सारे लीफी वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं और इसके अंदर एकदम प्रॉपर रेशियो है सारे न्यूट्रिएंट्स का, कैल्शियम, प्रोटीन और विटामिंस का। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो वेजिटेबल्स हमने यूज़ किए हैं ये हाइड्रोपोनिक वेजिटेबल्स है जो पानी में ग्रो होते हैं, जिसकी वजह से सारे जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर वेजिटेबल्स में मिलते हैं। ये बिना पेस्टिसाइड्स के ग्रो होते हैं, सो दे आर एक्सट्रीमली हेल्दी। हमें ये हेल्दी और फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हाइड्रोपोनिक वेजिटेबल्स सात्विकी फार्म्स ने दिए हैं। आप अपने लिए भी ये हेल्दी वेजिटेबल बॉक्स ऑर्डर कर सकते हैं। होम डिलीवरीज अवेलेबल है, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चाहिए हमें इसे बनाने के लिए, और उसके पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के लेटेस्ट लीव्स लिए हैं, बटरहेड और ग्रीन ओक। इसमें अच्छी मात्रा में विटामिन होता है, स्पेशली विटामिन के, जिससे हमारी बोन्स जो है वो स्ट्रेंथन होती है। अभी हम इसमें बेजिल, स्पेनच और स्विस चार्ड डालेंगे। हमने दोनों ही कम मात्रा में लिया है। दे आर हाई ऑन फाइबर एंड आयरन। बेजिल से अच्छी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आएगी और फ्लेवर आएगा। और अभी हम इसके अंदर माइक्रो ग्रीन्स डालेंगे। इसमें हमें सभी न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, इसीलिए इसे सुपर फूड कहा जाता है। और अभी हमने इसके अंदर 50 ग्राम्स पनीर डाल दिया है, छोटा छोटा पीसेस करके। इसके अंदर हम थोड़ा बॉइल्ड कॉर्न भी ऐड कर लेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आएगा और हमारा जो सैलड है वो फिलिंग होगा। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और ध्यान रहे कि इसे हल्के हाथ से मिक्स करना है। वेजिटेबल्स का पानी नहीं छूटना चाहिए, इसीलिए हमने इसे बहुत बारीक भी नहीं कट किया है। आप इसमें कोई भी अपने फेवरेट लीफी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ हाइड्रोपोनिक वेजिटेबल्स यूज़ किए हैं, पर आप इसमें नॉर्मल वेजिटेबल्स भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर और ऑरिगैनो डाल देंगे, थोड़ा लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे, इससे अच्छा टेस्ट आएगा। इसमें एक टीस्पून मेयोनीज डाल देंगे और एक टीस्पून पिज़्ज़ा पास्ता सॉस डाल देंगे। आप कोई भी सॉस डाल सकते हैं, मार्केट में कई टाइप के सैलड सॉसेस मिलते हैं। ये सब डाल के हम इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे हल्के हाथों से, और हमारा एक टेस्टी बोल ऑफ सैलड जो है वो रेडी हो गया है बनके। ये काफ़ी फ्लेवरफुल है और ऑफ कोर्स हेल्दी भी है और फिलिंग भी है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये सैलड की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसे हम सर्व कर लेंगे और इसके ऊपर हम गूसबेरी से गार्निश कर लेंगे। गूसबेरी जो है वो भी बहुत हेल्दी होती है, कोलेस्ट्रॉल कट डाउन करने में हेल्प करती है और शुगर भी कंट्रोल में रहता है। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये हेल्दी डाइट सैलड की रेसिपी अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हिट करें बेल आइकन, ताकि आप कोई अपडेट्स मिस ना करें, और हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है।